फर्स्टली तो मैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे इंटेग्रिटी आइकन फॉर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया फ्रॉम 47th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें आई सॉ के बहुत ज़्यादा हमने देखा कि इनके एटीट्यूड्स में पॉजिटिव चेंजेस आई। फॉर इंस्टेंस के आई रिमेंबर के इस साल जो लास्ट बैच था उसमें हमारा जो इंटेग्रिटी आइकन का जो बेस लाइन है वो ये है कि वी हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट एट सिविल सर्विस अकेडमी, तो ऑल ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स दे हैव टू फॉलो दोज कोड दैट कोड ऑफ कंडक्ट, और अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट की ड्यूरिंग द 6 months और 26 weeks स्टे हियर वो कोई वायलेट नहीं करते कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट अ सिंगल वायलेशन, और तो उनको फिर दे आर क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंटेग्रिटी आइकन ऑफ द कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और वो काफ़ी टफ है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, वो ईजी नहीं है कि आपको जो अपना सेशन है उसमें टाइम पे पहुँचना है, 2 minutes अगर लेट हो गया, सो अराउंड लेट्स से 26 weeks में देर आर सो मेनी सेशंस, मोर देन 500 सेशंस होते हैं, सो हर सेशन में आपको टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद आपने अपने पीयर्स के साथ अपना जो कंडक्ट है वो अबव बोर्ड रखना है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, टीम वर्क, ये क्वालिटीज़ आपने शो करनी है ड्यूरिंग 26 weeks। अब और इस पर तो बहुत ज़्यादा जो है पिछले बैचेज में हम देखते थे कि टूवर्ड्स द एंड बहुत कम लोग होते थे जो इस पे इस कंडक्ट पे लेट से 10% 20% 10% 12% जो है इस पे फुलफिल करते थे। इस दफ़ा हमने देखा कि ये मार्क्ड इंक्रीज आ गया कि ऑलमोस्ट 30% वी सॉ के देवर फुलफिलिंग द कंडक्ट, और उसकी वजह बल्कि ये थी कि वो कईयों ने कहा कि हम वी वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंटेग्रिटी आइकन ऑफ द कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो विच मीन्स कि एक बड़ी पॉजिटिव चेंज देखी हमने प्रोबेशनर्स के एटीट्यूड में टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस आइकन।